हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा टीम केमिस्ट्री मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा बायोकेम टेस्ट सीरीज में ऑर्नी केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन चैप्टर से जो आपने आज क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उन क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो ये सोल्यूशन देख करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं शुरू करें बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए आपको प्रोडक्ट कंसिडर करना है फर्स्ट रिएक्शन की बात करें एल्कोहलिक के ओ एच ई टू रिएक्शन को फेवर करेगी तो यहां पर जब आप ई टू रिएक्शन फेवर करेंगे तो यह एल्फा यह बीटा कार्बन है तो एल्फा कार्बन से हेलोजन बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है और इसमें से जब आपको कुछ नहीं दिया गया हो तो हम इसमें कौन से प्रोडक्ट की बात करते हैं मेजर प्रोडक्ट की ही बात करते हैं तो ये आपके पास इसका मेजर प्रोडक्ट रहेगा एक्स तो एक्स की बात करें तो आपके पास एक्स यहां पर भी है और एक्स यहां पर भी है सेकेंड रिएक्शन कौन सा है ओजोनोलाइसिस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है आप इसको यहां से ब्रेक करेंगे दोनों साइड में ऑक्सीजन अटैच कर लें तो फर्स्ट पोर्शन आपके पास क्या रहेगा सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एच ओ और प्लस में क्या मिलेगा आपको एच सी एच ये वाई और जेड आपके पास है देखें इनमें से आपको यहां पर ये यह ऑप्शन तो आई नहीं ये भी रिजेक्ट हो चुका था इनमें से कोई एक देखना पड़ेगा तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है एलडीआईड ग्रुप आपके पास होने चाहिए आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास फोर्थ समझ में आई बात ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दिस एंड दिस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखें आपके, आप, आपके यौगिक जो हैं ये किस प्रकार के आइसोमर आपको दिखाई स्ट्रक्चर चेंज हो रही है तो ये क्या होंगे आपस में स्ट्रक्चरल टू ब्यूटीन है स्ट्रक्चर चेंज हो रही बेटा और जहां स्ट्रक्चर चेंज हो वो आइसोमर किस कैटेगरी में काउंट होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर में काउंट होते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड आंसर आ जाएगा ठीक है बाकी दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे <coughs> यहां नहीं रहेंगे ये देखो sp3, sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहा है ना बेटा तो जब हम बात करेंगे इन दोनों की तो यहां पर ये sp3, sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इसमें ये दो sp2 sp3 sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसमें दो बॉन्ड है इसमें एक ही बॉन्ड है और यहां पर लिखा है सेम इसलिए आंसर नहीं आएगा नहीं आंसर क्या जाएगा आपका बोलो बेटा आंसर जाएगा आपका सेकेंड ठीक है थर्ड क्वेश्चन देखें विच कंपाउंड बर्न विद फ्लेम कालिक की लो के साथ कौन जलता है तो ऐसा प्रैक्टिकल टेस्ट कौन सा कंपाउंड देता है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये टेस्ट देते हैं क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा होती है तो आपके पास आंसर क्या जाएगा थर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ठीक है ऐसे पर आपके प्रैक्टिकल और नहीं केमिस्ट्री में भी काफी पार्ट है और आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन जो है वहां पर एनसीईआरटी के क्लाइन भी है ये आंसर आया आपके पास थर्ड फोर देखें आपको कंपाउंड मिला है CH3 CH डबल बॉन्ड सी एच टू जब हम इसकी रिएक्शन हेलोजन से करवाएंगे तो सबसे पहले यहां पर हेलोनियम आयन बनेगा साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है और इसका इस पर एंटी एडिशन होता है और इस एडिशन से आपको यह प्रोडक्ट मिल जाता है चलो देखते हैं क्या विच ऑफ दिन स्टेटमेंट पूछा बेटा गलत कथा पूछा ना देखें रिएक्शन इन्वॉल्व साइक्लिक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रिएक्शन इनवॉल्व कार बेनाइन इंटरमीडिएट नहीं है इसमें कहीं भी रिएक्शन इन्वॉल्व एंटी एडिशन यहां पर ये एडिशन किसमें काउंट होता है बेटा एंटी एडिशन में काउंट होता है ठीक है कारियल एटम इज प्रेजेंट इन एडिशन प्रोडक्ट ये एडिशन प्रोडक्ट है और यहां पर कायरियल एटम प्रेजेंट है तो आपको पता करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो आपके पास इन करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा रहेगा सेकेंड क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्बेन नहीं बना है ठीक फिफ्थ क्वेश्चन देखें इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एल्काइन इज नॉट फॉर्मड आपको यहां देखना है एल्काइन नहीं बनती है देखें इसमें जब आप इस कंपाउंड को एन टू के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट में आंसर क्या आने वाला है सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में जिंक डस्ट दिया हुआ है जिंक डस्ट यहां क्या करने वाला है डी हेलोजिनेशन डी हेलोजिनेशन करेगा तो ये एल्कीन बना देगा थर्ड में आप देखें यहां पर एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाएगा डी एल्काइन बन जाएगा फोर्थ की बात करें फोर्थ आपके पास एल्कोहलिक KOH, एन दिया है तो ये क्या करेंगे टू टाइम्स डीहाइड्रो हाइड्रोहैलोजिनेशन ये टू टाइम्स डीहाइड्रो हाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया एल्काइन इज नॉट फॉर्म्ड फर्स्ट में एल्काइन नहीं बन रहा सेकेंड में भी एल्काइन नहीं बन रहा है फर्स्ट और सेकेंड दो ऐसी रिएक्शन है जहां पर आपके पास एल्काइन नहीं बन रहा है तो फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर क्या गया, गया बेटा आपका फोर्थ ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन शुड बी चूजन एज ए रिएक्ट टू प्रिपेयर हैगजेन थ्री ऑन बाई हाइड्रेशन आपको इनमें से ऐसा रिएक्टेंट सेलेक्ट करना है जिस पर आप वाटर का एडिशन करें तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए हेग्जेन थ्री ऑन मिलना चाहिए चलो देखते हैं फर्स्ट की बात करें इसमें अगर मैं वाटर ऐड करूंगा तो इस कंडीशन में वाटर ऐड होगा बेटा इसमें ठीक है ऑल फॉर्म और ये ऑल फॉर्म टोटोमेराइज हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या बनाइए बेटा हेक्सेन थ्री ऑन आपको यही चाहिए था हेक्सेन थ्री ऑन तो आंसर तो आपका यही चला जाएगा ना अगर मैं सेकंड लेता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इस पर वाटर ऐड करेंगे तो यहां पर आप मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ऐसा प्रोडक्ट मिला बना पाएंगे तो ये तो हेक्सेन टू ओन है अच्छा। एलकीन से आप किटोन नहीं बना सकते एलकीन पर अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो एल्कोल बनेगा यहां पर वन टू तो, थ्री फोर फाइव ही कार्बन है तो आंसर क्या आ गया आपके पास फर्स्ट ठीक है सेवेंथ की बात करें आपको क्या करना है एल एलकाइन में पार्शल हाइड्रोजिनेशन करना है और इस केस में जब पार्शल हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है सिस एलकीन मिलती है बेटा ठीक है अब इसमें बी आर टू एच को ऐड करेंगे जब बी आर टू एड करेंगे तो आपके पास यहां पर जो प्रोडक्ट रहेगा आप देखें यहां पर क्या रहेगा आपके पास प्रोडक्ट गीत तो आएगा इस पर जब Br2 का एडिशन करेंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है विसिनल डाई हेलाइड क्या मिलेगा विसिनल डाई हेलाइड तो इसमें से विसिनल डाई हेलाइड देखें आपके पास आंसर क्या चला जाएगा फोर्थ ठीक है एथ की बात करें इस पर एच बी आर का एडिशन करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले H प्लस एड करेंगे तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की बात होगी तो आप बताएं यहां से और यहां से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा यह कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसको यहां से क्या मिल रहा है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मिल रहा है हाइपरकोजुकेशन के थ्रू तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है उसी के साथ हम किसको अटैच कर देते हैं बी आर को अटैच कर देते हैं तो आपके यहां पर बी आर अटैच होना चाहिए तो देखें इसके अंदर कौन सा आंसर आ जाएगा तो। प्रोसेस कौन सा रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहले एच प्लस एड करेंगे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की बात करेंगे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में यहां का कार्बोकेटाइन इसके थ्रू क्या हो रहा है स्टेबल हो रहा है तो जो कार्बोकोटाइन स्टेबल बनता है उसी से आपको क्या बनाना है मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है तो आंसर आएगा आपके पास सेकेंड थ क्वेश्चन विच मोलिक्यूल विल गिव फॉलोविंग कंपाउंड इस कंपाउंड को देखना है सोल्यूशन ऑफ केएनो फोर इन सबको आपको केमेनो फोर के साथ ट्रीट करवाना है और हमें पता है कि जब हम इस तरह की कोई एल्किन लेकर केमेनो फोर को यूज करते हैं तो आपको यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस सी डब्लू एच मिलता है ठीक है यानी कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन तो सी डब्लू एच में कन्वर्ट हो जाएगा और जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा वह किसमें रहेगा टोन में रहेगा चलो देखते हैं अब आपको इसके नंबरिंग कर लेनी चाहिए नंबरिंग करने से थोड़ा सा ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है नंबरिंग मतलब मैं साइकिल में एक नंबरिंग करके देखूं वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से आपको मिलना चाहिए चलो देखते हैं अगर मैं इसको यहां से और यहां से ब्रेक करता हूं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें ये कहीं इस तरह से प्रोडक्ट जाएगा बेटा आप देखिए साइकिल थी अपने पास इस साइकिल में कहीं मिथाइल नहीं है जबकि यहां क्या है मिथाइल है तो ये ऑप्शन तो आई नहीं सकता इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो फाइव मेंबर रिंग है उस फाइव मेंबर रिंग पर एक मिथाइल अटैच दिखाई दे रहा है तो इसमें मिथाइल तो है ही नहीं इसकी बात करें तो यहां से इसमें यह ग्रुप ही रिमूव हो गया जबकि हमें पता देख रहा है कि कार्बन इसके अंदर नंबर ऑफ इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाएंगे ऐसे कार्बन आपको मिलेंगे ही नहीं इसको देख लेते हैं वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री अब देखें वही प्रोडक्ट मिल रहा है आपको देख लो ध्यान दे से तो आंसर क्या चला जाएगा आपके पास फोर्थ आंसर आ जाएगा ठीक है टेंथ क्वेश्चन विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड वेन सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इसको सोडा लाइम के साथ अगर अपन हीट करेंगे तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा क्या मिलेगा अपने को प्रोपेन अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें प्रोपेन क्या है फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज़ ऑफ एलकेन गलत है सेकंड मेंबर ऑफ फॉर्मोलोग सीरीज ऑफ एलकेन ये भी गलत है थर्ड मेंबर आ जाएगा प्रोपेन, एल्केन होमोलोगस सीरीज का कौन सा मेंबर होता है थर्ड मेंबर होता है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा थर्ड इलेवेंथ की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म फोर फोर डाई इथाइल ऑक्टेन वन टू थ्री फोर है। ये आपको वुड्स रिएक्शन से मिला है तो आप इसको अगर यहां से ब्रेक कर लेंगे तो आपको यहां पर इस तरह का एक कंपाउंड मिलेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह का तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास ये नहीं है ये भी नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव ये भी नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आंसर आ जाएगा आंसर क्या है फोर्थ ठीक है बात समझ में आ गई रिएक्शन कौन सी दी है मैंने ये वुड्स रिएक्शन दी है आपको अब स्टेटमेंट है वुड्स रिएक्शन इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर मीथेन तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना वुड्स रिएक्शन मीथेन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है ही नहीं स्टेटमेंट क्या है नियोहेक्न फॉर्म्स थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोरोटिव नियोहेक्न इसका मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो वन टू थ्री तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट इनकरेक्ट है सेकंड करेक्ट है देखें देखें फर्स्ट इनकरेक्ट है सेकंड करेक्ट है फर्स्ट इनकरेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट है करेक्ट हो गया ना आंसर फर्स्ट आ जाएगा ठीक विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस जैम डाइहेलाइड कौन सी रिएक्शन ऐसी है जहां पर जैम डाईलाइड मिलेगा जैम डाईहेलाइड का मतलब क्या हो गया आपके पास दोनों एलोजन एक ही कार्बन पर अटैच होने चाहिए अगर मैं एल्कीन पर एल्काइन सॉरी एल्काइन पर एचबीआर का एडिशन करूंगा तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट मिलेगा इसके बाद फिर एक बार और एडिशन करेंगे एच बी आर का आपको इसमें जेम डायल एड नहीं मिलेगा इसमें भी जेम डायल एड नहीं मिलेगा इसके अंदर एलकीनी है तो जेम डायलैड बनने का कोई चांस ही नहीं है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट इसकी जब इसके साथ रिएक्शन आप करवा रहे हैं तो आपको यहां पर ये पहले एक्स मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हेलोजन का आपने कर दिया विसिनल डाई हेलैड बनता है ठीक है अब इसमें एल्कोहलिक के.ओ.एच. और एनए एन करेंगे तो आपको क्या करना है टू टाइम्स ई टू रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो आपको इसमें से कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है देखो टू टाइम्स अब आप इसको करेंगे टू ब्यूटाइन मिल जाएगी सिस्टू ब्यूटी नहीं रहेगी टू टाइम्स ई टू करना टू ब्यूटी नहीं बनेगी ट्रांस टू ब्यूटी नहीं बनेगी प्रोपेट टू माइन नहीं बनेगा टू ब्यूटाइन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा 15. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेलोजन इन एराइल हेलाइड इज ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ये तो सही है एंड एक्टिवेटिंग नेचर ये गलत है

बेंजीन रिएक्ट्स विद सीएल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म हेक्सा क्लोरोबेंजीन अगर आप इस कंडीशन में इसको यूज करेंगे तो एडिशन रिएक्शन होगी ना यहां पर क्या बना बीएचसी बना बेंजीन हेक्साक्लोराइड और यहां क्या लिखा है हेक्साक्लोरोबेंजीन तो गलत हो गया तो स्टेटमेंट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है और दो स्टेटमेंट गलत है दो स्टेटमेंट गलत है एक सही है तो आपको क्या देखना है करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प का पता लगाना आपको देखें सभी कथन सही है गलत हो गया केवल दो कथन सही है यह भी गलत हो गया केवल एक कथन सही है ली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट तो आंसर क्या जाएगा आपका थर्ड ब्रोमिनेशन के बारे में है सनलाइट है तो फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन की बात हो रही है इफ द फॉलोविंग प्रोडक्ट कैन बी ऑप्टेन्ड बाई दबव रिएक्शन देन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस इन मैक्सिमम परसेंटेजिल्ड जब आप एलकेन का सनलाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करवाते हैं तो आपका पूरा फोकस किस पर होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर आपके पास पूरा फोकस होना चाहिए तो इसमें आपको कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल मिलेगा यहां से कितने डिग्री बनेगा ये थ्री डिग्री तो इसी से अपने को मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है आंसर क्या चला जाएगा फोर्थ बेंजीन का आपको क्या करवाना देखें ये क्या कर, क्या पूछा है यहां पर मैंने देख लो ध्यान से ओजोनोलाइसिस पूछा ना बेटा तो पहले क्या करेंगे हम ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे तो ट्राई ओजोनाइड बनेगा वाई है ध्यान रखना ये वाई है और फिर ट्राई ओजोनाइड में अगर जेड एन एच टू ऐड करेंगे तभी तो ये प्रोडक्ट मिलता है ग्लाइेल ये एक्स है बेटा और मैंने आपसे एक्स ही पूछा है एक्स फाइनल प्रोडक्ट है यहां पर तो आंसर क्या आएगा ग्लाई ठीक 18 इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ओ सीएस थ्री ग्रुप इज ओर्थो एंड पैराडाक्टिंग बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये अब ओर्थो तो पैराडाटिंग है क्यों क्योंकि जब आप ओ सी एस थ्री की प्रेजेंस को रेजोनेंस के थ्रू स्टडी करेंगे तो ऑर्थोपैरा पोजिशन पर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो ऑर्थोपैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा तो इस केस को आपको यहां देखना है डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजिशन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इलेक्ट्रॉन ये देखो सीएस थ्री ग्रुप ओर्थोपैरा ओर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये क्यों है क्योंकि जब आप इसको यहां पर यूज करेंगे तो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी जिससे इलेक्ट्रोफाइल इजीली वहां पर अप्रोच कर पाएगा आंसर क्या आ जाएगा आपका थर्ड बेटा अब एक इक्वेशन है अब देखिए यहां पर आपके पास पहले एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नहीं है लेकिन यहां कंडीशन दे रखी है एक्स इज ऑप्टेंड बाई वूड्स रिएक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन तो अगर मैं क्लोरोमिथेन का वूड्स रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा ये एक्स है यहां से पता लग गया आपने को इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे और इस एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे एनसीआरटी की रिएक्शन है ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा कौन सा ऑक्सीडेशन है ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है ठीक है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से ये मिलेगा आपने को और इसमें सोडा लाइम ऐड करेंगे इसमें जब हम सोडा लाइम ऐड करेंगे तो आपको यहां क्या मिलेगा सी एच फोर जेड तो ये एक्स हो गया ये वाई हो गया अब ऑप्शन देखें क्या है आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू उस कथन को पहचानो जो सत्य नहीं है देखें कंपाउंड जेड कैन बी प्रिपेयर जेड ये है कैन बी प्रिपेयर बाई कॉलबे इलेक्ट्रोलाइसिस गलत हो जाएगा कॉलबे इलेक्ट्रोलाइसिस हम मिथिन नहीं बना सकते कंपाउंड जेड इज फाउंड इन कॉल माइन एंड मार्सी प्लेस ये तो सही है स्टेटमेंट सही है ठीक है सिग्मा बॉन्ड इन कंपाउंड जेड इज फॉर्म्ड बाई जेड में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो एसपी थ्री एस ओवरलैपिंग से बन रहा है ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है एच सी एच बॉन्ड एंगल इन कंपाउंड जेड इज 109 डिग्री 28 मिनट ये भी करेक्ट है तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है आपसे पूछा है नॉट करेक्ट आंसर क्या आ गया आपके पास फर्स्ट ये नॉट करेक्ट है ना देखो ये नॉट करेक्ट है आंसर फर्स्ट आ जाएगा ट्वेंटी परऑक्साइड एच बी आर है तो आपकी ये रिएक्शन कैसी होगी फ्री रेडिकल एडिशन और प्रोडक्ट किससे बनेगा के आर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट आएगा अपने पास ये देखें तो करेक्ट ऑप्शन फॉर द अबव रिएक्शन इसके लिए आपको इनमें से सही स्टेटमेंट देखना है कंपाउंड ए इज़ फॉर्म्ड बाय स्टेबल गलत हो जाएगा कंपाउंड ए इज ऑफ नहीं है एंटी मार्कोनिक इज फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल एडिशन फ्री रेडिकल एडिशन आपका आंसर क्या चला गया फोर्थ ठीक है विच ऑफ द फॉलोविंग कम्पाउंड डज नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन से कौन सा नहीं देता फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखना अगर बेनजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग माइनस एम का कोई ग्रुप अटैच है तो वहां पर हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करवा सकते बेंजीन के साथ अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सिया माइन है तो वहां पर भी हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करवा सकते तो ये देखें आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि यहां पर ये माइनस एम है माइनस एम बेंजीन रिंग को क्या करता है डीएक्टिवेट कर देता है इसलिए रिएक्शन नहीं होती इसके अंदर कंपेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अब जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन के रेट को कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप रेट को इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप रेट को डिक्रीज कर देता है तो ये देखें अपन देखें यहां पर प्लस एम की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप तो ओ इसके बाद एनएच टू इसके बाद एनएच सीओ सी एस थ्री और प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनर रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या करता है इंक्रीज करता है तो फर्स्ट फर्स्ट के बाद थर्ड थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ ठीक है आंसर फर्स्ट आ गया हाँ एल्कीन में के एम एन ओ फोर एसिडिक कंडीशन में ऐड कर रहे हैं तो आपको यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा एक्स कंपाउंड और केमेनो फोर एल्केलाइन मीडिया है जीरो डिग्री यानी कि कोल्ड कंडीशन में है तो बेयर्स रिएजेंट का काम कर रहा है तो यहां पर जब बेयर रिएजेंट ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वाई एक डाई ऑल मिलेगा देखते हैं बहुत कंपाउंड एक्स एंड कंपाउंड वाई आर डाई ऑल इनकरेक्ट हो गया कंपाउंड एक्स इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंपाउंड वाई इज डाई एल ये भी इनकरेक्ट हो गया कंपाउंड एक्स इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंपाउंड वाई इज डाई ऑल ये बिल्कुल सही है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई ऑल बात समझ में आ रही है, आंसर क्या गया थर्ड ठीक है 24 आपके पास एक सीक्वेंस है अब देखो यहां पर आपको दिया हुआ है एक्स एक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है X is an एल्काइन with with lowest molecular mass. Lowest molecular mass के साथ कौन सी एल्काइन होती है बेटा Acetylene. ये X होगा इसमें अगर मैं रेड हॉट आयरन ट्यूब की कंडीशन अप्लाई करूंगा तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सी सिक्स एच फाइव सीओ सी एल बेन्जोइल कलोराइड ए एल सी एल थ्री फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो जब फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा बेन्जोफिनो यह Z है अब क्या है हाउ मैनी एटम्स इन प्रोडक्ट Z आर एस पी टू हाइब्रिडाइज हाउ मैनी एटम्स पूछा है बेटा मैंने ठीक है तो Z में देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन ठीक है तो आपके पास क्या रहेगा आंसर फोर्टीन देख लो अच्छे से ठीक है क्वेश्चन समझ में आ रहा है हाउ मेनी एटम्स पूछा है जिनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए sp2 तो सिक्स कार्बन तो ये रहे सिक्स कार्बन ये रहे एक कार्बन ही रहे ऑक्सीजन भी कैसा है sp2 ही है 25 ये पूछा है अब रिएक्शन आर पॉसिबल पॉसिबल रिएक्शन देखनी कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है क्या यहां पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है नहीं होती क्योंकि कार्बोकोट स्टेबल नहीं बनेगा यहां पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है बेटा बी में हो जाएगी B में आपको पहले कार्बोकेटाइन मिलेगा जिसको आप रीअरेंज करके सेकेंडरी में कन्वर्ट करेंगे और बेनजीन से जब इसकी रिएक्शन करवाओगे ये तो कर, ये तो तो करेक्ट हो रहा ना? नाइट्रोबेनजीन में फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती ये देखो यहां पर क्या आ गया माइनस एम अभी थोड़ी देर पहले आया था माइनस एम ग्रुप अब एंजीन से अटैच है तो वहां फेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करवा सकते बी तो ही ऐसा है जहां पर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो आंसर क्या थर्ड आइडेंटिफाई मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द देखो इस रिएक्शन को देखें आपको ए और आइडेंटिफाई करना है अगर मैं इसमें ओजोन लेकर के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करूंगा तो ये तो यहां से ब्रेक हो जाएगा तो ये तो नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा इसमें सी एस थ्री सी एच ओ प्लस एच सी एच ओ मिलेगा गलत हो गया सेकेंड एच टू निकल इसमें ऐड करेंगे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करूं मॉलिडनम ऑक्साइड के साथ एनसीआरटी रिएक्शन है जो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगी एलडीहाइड में और आपको एल्डिहाइड डी बनाना था तो आपका आंसर क्या चला जाएगा सेकेंड ठीक है एनसीआरटी के अंदर अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे 27. सेवन विच ऑफ द फॉलोविंग स्ट्रक्चर इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्मड वेन टोलोविन अंडरगोज पैरा नाइट्रेशन जब आप टोलोवीन में पैरा पोजिशन पर नाइट्रेशन करवाएंगे इस तरह से आपको एक एरेनियम आइन मिलेगा तो ये यहां ट्रांसफर होगा तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा जा ये यहां ट्रांसफर होगा तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा देखें ये तो प्रोडक्ट बनाया जा सकता है ये प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता देखो क्या इस पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा पॉजिटिव यहां पर आ रहा है पॉजिटिव यहां पर आ रहा है और पॉजिटिव यहां पर आ रहा है इन दोनों पॉजिशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है तो आपसे ये पूछा था नॉट कंट्रीब्यूटर पूछा आपसे आंसर क्या जाएगा आपका सेकंड ठीक है नेक्स्ट क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन गिव्स फोर डाईक्लोरो प्रोडक्ट्स डाईक्लोरो प्रोडक्ट की बात कर रहा ना डाइक्लोरो आ आगे फोर वन ऑफ देम एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें से ऐसा कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये रहा हाउ मेनी क्लोरो प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट दैट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको इससे क्लोरो प्रोडक्ट बनाने हैं और आपको जब ट्राईक्लोरो बनाने हैं तो उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म काउंट नहीं करना है इससे ट्राईक्लोरो बनाओ आप यहां पर बना सकते हैं आप यहां पर बना सकते हैं आप यहां पर बना सकते हैं तीन ही जगह आपको ट्राईक्लोरो प्रोडक्ट मिलेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ बात समझ में आ रही है प्रोपेन के क्लोरिनिकरण से चार डाईक्लोरो उत्पाद बनते हैं ये चारों आपके सामने हैं उनमें से एक प्रकाशिक समाव्यता प्रदर्शित करता ऑप्टिकल शो कर रहा है ये ऑप्टिकल शो कर रहा है अब आपको ये जो प्रोडक्ट है जो प्रकाशिक समाव्यता दर्शा सकता है इसको लेना है इससे ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनाने हैं जो उस ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट में आपको स्टीरियो आइसोमर काउंट नहीं करने हैं तो कितने बनाए जा सकते हैं तीन बनाए जा सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एच आई टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग अगर आप एच एक्स एच की रिएक्शन करवाते हैं तो जो एल्कीन है वो कैसा होना चाहिए अनसिमेट्रिक होना चाहिए तो ये नहीं हो सकता क्योंकि सिमेट्रिक है ये नहीं हो सकता क्योंकि सिमेट्रिक है अब उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचे इसमें H प्लस एड करेंगे कार्बोकोटाइन स्टेबिलिटी कंसीडर करनी पड़ेगी और यहां पर I नेगेटिव को अगर आपने अटैच किया तो ये प्रोडक्ट एमकेआर के अकॉर्डिंग बन गया सेकंड की बात फोर्थ की बात करें इसमें H प्लस एड करेंगे तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी ये कार्बोकेट स्टेबल हो गया इस पर I अटैच करेंगे आप ये एमके आर एंटी मार्कोनिकॉफ आपको देखना क्या है मार्कोनिकॉफ तो कौन सा आंसर आ रहा है आपके पास सेकंड ठीक है फॉलोविंग इज एलकाइनाइड विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपको इनमें से देखना है देखो इनमें तो कुछ होगा नहीं आपको ध्यान रखना है अगर अपने पास एलकीन है टर्मिनल और मैं इसमें एने एने सोडियम को अगर इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूं लिक्विड अमोनिया के साथ तो रिएक्शन नहीं होने वाली है एलकेन के केस में भी ऐसा कुछ नहीं होगा थर्ड की बात करें थर्ड केस में आपको यहां पर ट्रांस टू ब्यूटीन मिलेगा और फोर्थ के केस में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यह हाइड्रोजन कैसा है एसिडिक और इसमें अगर मैं लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम को यूज कर रहा हूं तो सोडियम सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी बेटा तो आंसर क्या जाएगा आपके पास फोर्थ बात समझ में आ रही है थर्टी वन फोर द अबव रिएक्शन विथ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट सही नहीं है देखें। इट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल फ्रीएडिकल है बिल्कुल सही है इट्स इनिशियल स्टेप इज सीएल गलत हो गया बेटा हेट्रोलाइटिक नहीं होता कैसा होता है ये Homolytic होता है इनकरेक्टिव पूछना पूछा था आपका आंसर सेकेंड आ गया हेट्रोलाइटिक नहीं कैसा होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है इट गिव्स इथेन एज ए बायो प्रोडक्ट जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपको ऐसा फ्री रेडिकल मिलेगा इस फ्री रेडिकल को जब इसी के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो इथेन बनता है कौन से स्टेप में बनता है ये टर्मिनेशन स्टेप में बनता है तो बाई प्रोडक्ट पूछा ना आपसे तो बाई प्रोडक्ट में इथेन बनता है बिल्कुल सही है इट इज चेन रिएक्शन ये एक चेन रिएक्शन होती है तो आपका आंसर क्या चला जाएगा सेकेंड देखें इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन सा रिएजेंट काम में लेना चाहिए देखो एल्कोहलिक कोई काम नहीं कर पाएगा टर्सरी बचा कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ कैसे काम करेगा वो बता देता हूं मैं सबसे पहले ये इसको एच प्लस डोनेट करेगा कार्बोकेटाइन इसका सेकंड मॉलिक्यूल इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा फिर इसमें हम क्या करेंगे यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे टेम्परेचर तो है ही साथ में टेम्परेचर है तो यहां से एच प्लस को रिलीज कर दो आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं यही तो चाहिए हमें आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट थर्टी थ्री ये कंडीशन एल्काइन को किसमें कन्वर्ट करता है ट्रांस में ट्रांस एलकीन में कन्वर्ट करता है बेटा दोनों को तो कौन सा आएगा इसमें आंसर थर्ड आ जाएगा ये भी ट्रांस है ये भी ट्रांस है थर्टी फोर इसको जब आप इसके साथ यूज करेंगे तो पहले क्या होगा इसका प्रोटोनेशन होगा फिर यहां से ये रिलीज हो जाएगा तो आपको यहां पर क्या मिलेगा बोकेटाइन अब इसमें मिथाइल शिफ्ट कर दो ऐसा कार्बोकेटाइन मिलेगा यह कार्बोकेटाइन इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा तो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स एक सिक्स मेंबर रिंग बनेगी ये यहां रिएक्ट कर जाएगा ठीक है जब सिक्स मेंबर रिंग बनेगी ऐसा कार्बोक बन जाएगा और यहां से बाद में हम H प्लस को अगर रिलीज कर दें तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा देख लो बेटा अच्छे से ठीक है 35 ब्रोमीन सनलाइट है तो हमारे पास क्या रहेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे और फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन में हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल तो वन डिग्री स्टेबल होगा या थ्री डिग्री थ्री डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा है ना ये रहेगा आपके पास एक्स तो ऐसा एक्स कहां कहां पर दिया हुआ देखें यहां नहीं दिया हुआ है यहां भी नहीं दिया हुआ आगे चले और ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी ई एस आर इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक्स में रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी सी एस थ्री और आइसोप्रोपाइल इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा किसमें होती है मिथाइल की होती है तो मिथाइल के अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी तो ये देखिए प्रोडक्ट कहा है हीरा आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ठीक थर्टी सिक्स एचबीआर परोक्साइड एचबीआर परऑक्साइड है तो आपको फ्री रेडिकल एडिशन के बारे में सोचना है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करवाना है ये लो ये एक्स हो गया और इसमें सोडियम ऐड करना है तो वूड्स रिएक्शन की बात करेंगे इसको हटा दो यहां से ये यह आ जाएगा क्या पूछा है हाउ मेनी थ्री डिग्री कार्बन एटम्स तो थ्री डिग्री ये भी है और थ्री डिग्री ये भी कितने कार्बन एटम्स है आपके पास दो आंसर थर्ड आ जाएगा ठीक है थर्टी सेवन ब्रोमिन फ्री रेडिकल विल एब्स्ट्रैक्ट विच ऑफ द हाइड्रोजन मोस्ट रेडिली जिस हाइड्रोजन को रिलीज करने से स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है तो अब देखिए इनमें से यहां से अगर इसको रिलीज करेंगे तो टू डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा जिसमें रेजोनेंस नहीं है इसको रिलीज करने से टू डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा रेजोनेंस के थ्रू जाएगा इसके तो चांस ही नहीं है इसका फ्री रेडिकल बनेगा थ्री डिग्री होगा रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुकेशन है इसके बनने के चांस सबसे ज्यादा है तो डी ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है H प्लस उस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को इजीली एब्स्ट्रेक्ट कर लेगा जिसके रिमूव होने से बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा मैच द कॉलम आपके पास देखें एक साइड में रिएक्शन है एक साइड में रिएजेंट दिए हुए हैं तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये तो रिडक्शन हो गया ना बेटा और रिडक्शन किसके हेल्प से करेंगे सेकेंड की हेल्प से करेंगे तो ये दो रिजेक्ट हो गए और ये आपके एनसीईआरटी टी एलकेन चैप्टर के अंदर दिया हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन की बात हो रही है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन याद आ गया होगा तो बी में थर्ड है बी में आपके पास थर्ड है तो ये तो कैंसल हो गया फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपके पास ठीक है थर्टी नाइन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन बाई रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये तो करेक्ट है रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बाउंड और कंप्लीटली फ्री ये गलत हो गया पूर्णतः मुक्त घूर्णन नहीं होता है अगर टोटल फ्री होगा तो वहां पर एनर्जी चेंज ही नहीं हो पाएगा बेटा जबकि हम जानते हैं कि स्टैगर्ड और गोश फॉर्म जो है उनकी एनर्जी अलग अलग होती है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इनकरेक्ट एक तो आपके पास ए तो सही है लेकिन जो रीजन दिया है वो गलत है थर्ड आंसर आ जाएगा

जुगेशन आ गया उसके बाद आपको इसमें स्टेबल प्रोडक्ट कहां से मिलने वाला है सेकेंड से एक स्टेबल ये सेकंड से आ जाएगा फर्स्ट में आपके पास क्या आएगा फर्स्ट में तो आपके पास सिर्फ यही एक प्रोडक्ट बन सकता है दूसरा प्रोडक्ट बनेगा नहीं और थर्ड में आपके पास क्या आएगा ये आ जाएगा अब आपको इनकी स्टेबिलिटी की बात कर लेनी है सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ होगा तो फोर्थ के बनने के चांस सबसे ज्यादा उसके बाद आएगा थर्ड फिर आएगा सेकंड फिर आएगा फर्स्ट इनकी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो तो फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू वन बात समझ में आई फ्रिडल क्राफ्ट एसआईलेन एस दिया है बेटा यहां पर मैंने कैन बी यूज टू ऑपटेन कैन बी यूज टू ऑपटेन पूछा है तो ये तो ये का मतलब है प्रोडक्ट में ऐसा ग्रुप होना चाहिए अच्छा इसको अटैच करने के लिए तो इसको यूज किया गया होगा और हमने पढ़ा था कि एनओ टू माइनस एम शो करता है तो इसके लिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है इसको अटैच किया है तो यहां पर देखे माइनस एम है इसके लिए भी नहीं है तो आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा आपका थर्ड आ जाएगा अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन में यूज करेंगे तो बन जाएगा से। किससे बनेगा ये? से बन जाएगा बेटा। तो तो इसमें तो फ्रिडल होगी नहीं छोड़ दो इसको तो इससे प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा जबकि हमें ये चाहिए ये भी नहीं आएगा ये आ जाएगा इससे ये आंसर आ जाएगा ना ये देखो इमेज कर गया आंसर थर्ड इससे जो है सिस बनेगा ना सिस बनेगा देखो यहां पर जबकि हमें क्या चाहिए ट्रांस जबकि यहां क्या बन रहा है सिस इसलिए आंसर नहीं आएगा बेटा ध्यान रखना विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज द जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट इसमें से किसका है ये चेक करना है सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रांस में किसमें आ जाएगा ट्रांस में ठीक है नंबर फोर आइसोप्रोपाइल सिक्स मिथाइल हेप्ट थ्री इन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री आइसोप्रोपाइल सिक्स मिथाइल हेप्ट थ्री इन इसमें एच टू एड किया निकल की प्रेजेंस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहां से होगी ना दोबारा से तो देखें क्या बनेगा आपको पूछा है आई यूपीएससी नेम ऑफ प्रोडक्ट तो आपके पास आइसो प्रोपाइल फोर्थ नंबर पर है और मिथाइल टू नंबर पर है तो ये रहा आपका आंसर ठीक इसमें चेक करें डाइल्यूट टेच टू एसओ फोर इस पर क्या करेगा वाटर का एडिशन करेगा और वो भी कौन से रूल के अकॉर्डिंग चला जाएगा ये आप देखें इसके अंदर कार्बोग स्टेबिलिटी ना जब आप इसमें डायल्यूट एच टू एस एड करेंगे तो पहले एक्स प्लस एड करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तो स्टेबल कार्बोकोटैन मिलेगा तो यहां पर तो हाइड्रोजन एड हो जाएगा ये कार्बोकोटाइन स्टेबल हो जाएगा अब आप इसमें वाटर को एड कर दें ऐसा आंसर किसमें आ रहा है फर्स्ट ठीक है आंसर फर्स्ट आ गया आपके पास चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा 46. Which of ऑफ द compound कंपाउंड प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली compound कंपाउंड ऑन hydrogenation? हाइड्रोजनेशन इस पर जब आप H2 ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए अक्रिय, ऑप्टिकली इनएक्टिव देखें इसमें इसमें अगर हम इसको यहां से रिमूव करेंगे तो कायरल सेंटर रहेगा आंसर नहीं आएगा इसको रिमूव करेंगे तो यहां पर भी कायरल सेंटर रहेगा आंसर नहीं आएगा इसको अगर मैं यहां से रिमूव कर दूं तो कायरल सेंटर नहीं बनेगा आंसर आ जाएगा इसको यहां से रिमूव करेंगे तो कायरल सेंटर रहेगा आंसर नहीं आएगा तो आंसर क्या है बेटा आपके पास थर्ड ऑप्टिकली इनेक्टिव प्रोडक्ट बनना चाहिए बेटा ध्यान रखना है. ठीक है फोर्टी सेवन ऑफ द फॉलोविंग रिएजेंट इज यूज अन टेस्ट के लिए आप कौन सा रिएजेंट इनमें से यूज करते हैं बियर्स रिएजेंट सीधा सिंपल है फोर्टी एट सोडियम ड्राई ईथर कौन सी रिएक्शन हो गई रिएक्शन तो जब आप इसके अंदर वूड्स रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको यह प्रोडक्ट मिलेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टू फाइव डाई मिथाइल आंसर आ गया थर्ड बेटा आपके पास फोर्टी नाइन क्राफ्ट रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है क्राफ्ट रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन है है आंसर सेकंड आ जाएगा ठीक 50 H2, Lindlar, कैटलिस्ट है, तो यहां पर आपको कैसी चाहिए सिस चाहिए देखो इनमें से कौन सा आंसर आएगा लेकिन डबल बोंड की पोजिशन जरूर ध्यान रखना ये तो आंसर नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा इसमें यहां भी सिस है इसमें यहां भी सिस है लेकिन आपको ये देखना इस डबल बोंड में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए ये आंसर नहीं आएगा आंसर क्या आएगा आपका फर्स्ट ट टाइप ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी गिवन बाई कंपाउंड में कौन सी रिएक्शन आप इनमें से नहीं कर सकते देखे तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन हो सकता है यहां पर स्टेबल फ्री रेडिकल बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहां हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन नहीं हो सकता आंसर थर्ड आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक यहां पर आप करवा सकते हैं तो आंसर क्या आएगा थर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन यहां पर पॉसिबल नहीं है 52. Which of ऑफ द set सेट ऑफ केमिकल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन एथेन बनाने के लिए आपको इनमें से किसको यूज करना चाहिए इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करो ये बनेगा इसका रिडक्शन करो इथेन बन गया आंसर सेकंड आ गया इसको जब यूज करोगे देखो ये लाइम नहीं है ध्यान रखना एनएमएच के साथ रिएक्शन है सिर्फ ये कहीं आपने इसको मिस्टेक कर दिया और सोडा लाइम बना दिया सोडा लाइन नहीं बनेगा ये बनेगा इसमें ठीक है और इसके अंदर रिएजेंट आंसर सेकंड ठीक 53 द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दैट डिटरमाइन द रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आप कौन से फोर्स की बात करते हैं वरव फोर्स की बात करते हैं नो डाउट 54. फोर एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग सोडियम प्रोपेनोइट एंड सोडियम इथेनोइट और इसका करना आपको इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इसको यहां से रिलीज करेंगे तो इनको मिक्स करेंगे ये मिक्सर आपको मिलने वाला है प्रोपेन इथेन एंड ब्यूटेन थर्ड आंसर इन द फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ मिथेन चेन प्रोपेगेशन स्टेप प्रोपेगेशन स्टेप की बात हो रही है बेटा ये तो कैसा है इनिशिएशन ये प्रोपेगेशन है ये यहां हाइड्रोजन है प्रोपेगेशन नहीं बोलेंगे ये कौन सा है टर्मिनेशन तो आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास सेकेंड अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन सेलेक्ट दोज इन विच टू डिग्री हेलाइड इस मेजर प्रोडक्ट इसकी रिएक्शन करवाओ थ्री डिग्री इसकी रिएक्शन करवाओ टू डिग्री इसकी रिएक्शन करवाओ थ्री डिग्री इसकी रिएक्शन करवाओ वन डिग्री तो टू डिग्री कहां मिल रहा है सेकंड में टू डिग्री कहां मिल रहा है सेकंड में मिल रहा है बेटा आंसर क्या आ गया आपका फर्स्ट ठीक विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ओनली वन आईसोमर अपॉन मोनोनाइट्रेशन बाई इलेक्ट्रोफिली एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन देखिए इसमें आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग आपको दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं दो जगह हो सकता है ना इसमें ये दोनों साइड सेम है तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा दोनों साइड सेम है ये डिफरेंट है इसमें ये दो डिफरेंट है इसमें तो तीन जगह आपके पास है तो आपसे पूछा है केवल एक समावेश एक ही आइसोमर इसमें दो आइसोमर बन सकते हैं यहां से अलग बनेगा यहां से अलग बनेगा इसमें दो अलग अलग आइसोमर बनेंगे इसमें आपको तीन अलग अलग तरह के आइसोमर मिलेंगे लेकिन इसमें एक ही आइसोमर मिलने वाला है सेम सिंगल आइसोमर सेकेंड आंसर

तो दोनों स्टेटमेंट सही है दोनों कथन सही है सेकेंड आंसर एसिटेल डियाइड बनना चाहिए टू मिथाइल प्रोपेनल बनना चाहिए और ओजोनोलाइसिस देखे तो एसिडलडी इसमें भी बन रहा है एसिड इसमें बन रहा है तो ये दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए इनमें एसिडलडी बन ही नहीं रहा है और फिर मिलना चाहिए टू मिथाइल प्रोपेनल तो इसके अंदर आंसर कुछ ऐसा होगा और इसमें आंसर कुछ ऐसा होगा तो ये भी नहीं आएगा आंसर क्या चला जाएगा आपका फर्स्ट क्या करना आपको यहां पर वाटर एडिशन करना है कौन से रूल के अकॉर्डिंग आप इसमें वाटर एडिशन करेंगे मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग और बाद में क्या करेंगे इसको टोटोमराइज करेंगे ये प्रोडक्ट आ जाएगा थर्ड ठीक आपसे करेक्ट प्रोडक्ट पूछा है ना एनकॉर्डिंग कंपाउंड एक्स सी एट एच सिक्स ध्यान रखना है सी एट एच सिक्स तो सी एट एच सिक्स एक्स की बात करें तो ये तो गलत हो गया ना इसमें डाइल्यूट एच टू एसओ फोर कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट इसके अंदर देखें अगर मैं इसके अंदर एक्स को इसको मान के चलता हूं तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट वाई मिल रहा है कंपाउंड वाई कैन ऑल्सो बी ऑबेंड इसको आप बना सकते हैं फ्रॉम ए रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड बिल्कुल सही है फेडर क्राफ्ट रिएक्शन से भी ये बन जाएगा बेंजीन में अगर मैं एसिटाइल क्लोराइड ऐड करता हूं तो भी मुझे यही प्रोडक्ट मिलेगा एसिटोफिनोन करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन तो एक्स यही करेक्ट हो जाएगा वाई ऐसा थोड़ा कोई या वाई ऐसा थोड़ा कोई आंसर फर्स्ट आ गया 62. ट्रांस टू ब्यूटीन हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट देन सिस। ट्रू स्टेटमेंट है ठीक है टू ब्यूटीन हैज मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देन प्रोपीन। ये भी सही है इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे थ्री और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे सिक्स तो ये भी आपके पास सही है टू ब्यूटीन हैज मोर हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है आपके पास 63 हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट में आपको पहले क्या देखना है मोलिकुलर मास सबसे पहले देखना है तो देखो यहां फाइव कार्बन है या फोर कार्बन है ये गलत हो जाएगा ये फाइव कार्बन है यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन है यहां भी यहां सिक्स कार्बन हो गए यहां भी सिक्स कार्बन हो गए यहां पर भी फाइव कार्बन है ये भी कैंसिल हो आउट हो जाएगा इसमें देखें मोलिकुलर सेम है अब मोलिकुलर मास सेम है तब क्या थे? चेक किया जाएगा बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ साइड चेन नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा होंगी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये भी कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास हेक्सेन फोर्थ आंसर आ जाएगा ठीक कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको एसिटाइलिन मिलेगा इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करेंगे तो बेंजीन बनेगा ये कंपाउंड ए हो गया इसका आपको सल्फोनेशन करवाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा बी क्या पूछा है इनकरेक्ट ये ध्यान रखना गलत कथन आपको पता करना है कंपाउंड ए कंपाउंड ए कौन सा ये कंपाउंड ए कंटेन्स फोर एन प्लस टू पा इलेक्ट्रॉन नहीं ये सॉरी 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 ये नहीं है बेटा ये है कंपाउंड ए सॉरी कंपाउंड ए ये ना सॉरी कंपाउंड ए कंटेन्स फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही है ये तो करेक्ट है आपको गलत पहचानना है कंपाउंड बी इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड बी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी सही है कंपाउंड ए इज फॉर्मड बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन यहां पर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ही होता है ये भी सही है SO3H एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग गलत हो गया SO3H क्या करता है डीएक्टिवेट कर देता है आंसर क्या चला जाएगा फोर्थ चला जाएगा ठीक 65 आपको इसके अंदर HBr का एडिशन करना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा ना पहले ये बनेगा मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग आपको इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा देना है तो कौन सा आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है सेकेंड सिक्सटी सिक्स अब देखें ये क्या करेगा डी कलराइज बेयर रिएजेंट गलत इसमें कोई ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है कैन फॉर्म ग्लाई ऑक्सेल एज ए प्रोडक्ट ऑन ऑजोनलाइसिस ए में थर्ड जा रहा है और एरोमेटिक नेचर भी है थर्ड और फोर्थ थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ ये दो रिजेक्ट हो गए अब बी की बात करें बी डी कलराइज ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहां डबल बॉन्ड दिया हुआ है कायर मॉलिक्यूल गलत हो जाएगा कैन फॉर्म ग्लाइक्ल यहां पर आपको ग्लाइक्ल नहीं मिलने वाला है एरोमेटिक नेचर में नहीं तो बी में तो सिर्फ फर्स्ट आ रहा है बी में सिर्फ फर्स्ट आ रहा है देखो यहां आ रहा है फर्स्ट तो आपका आंसर सेकेंड आ जाएगा बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है 67. Which of the following इज used फॉर द following कन्वर्जन इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा इसको रिलीज करना होगा इसको रिलीज करना होगा तो क्या लेना चाहिए इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या लेना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्योंकि आपको इसके अंदर ऐसा फ्री रेडिकल इसको लोगे तो ये बन जाएगा ना इसको लेने से तो ये बन जाएगा ये तो फर्स्ट से ये बनेगा सेकंड से बनेगा इनका आपस में ऐसे रिएक्शन हो जाएगी यहां पर ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा सेकंड आंसर 68 एल्काइन पर वाटर का एडिशन करके कीटोन बनाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड कीटोन बनाने के लिए इसका मतलब है कि जो आपका कीटोन बना है उसके लेफ्ट या राइट साइड में आप ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो तभी कीटोन बना सकते हैं अगर सी डबल बॉन्ड ओके लेफ्ट या राइट साइड में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता तो वो कीटोन भी आप नहीं बना सकते इसके यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनाया जा सकता है इसके यहां भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं यहां भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं इसके आप लेफ्ट या राइट right साइड कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते इसके लेफ्ट साइड में ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड थर्ड को आप इस रिएक्शन से नहीं बना सकते ठीक एंड अननोन कंपाउंड सी सिक्स एच ट्वेल्व इसका डी यू कितना है बेटा इसका डी यू वन है डी यू वन है और आपको एक ही स्ट्रक्चर ही देखनी है ना तो ये रिजेक्ट हो गया उसके बाद यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कार्बन है तो ये भी रिजेक्ट हो गया अब ये दो ऑप्शन आपके पास बचे डिस्चार्ज कलर और ब्रोमीन वाटर दोनों ही ब्रोमीन वाटर के कलर को डिस्चार्ज कर रहे हैं केमिनो फोर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं आपको ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड देखना है। ये दोनों तो सेम है ना तो ये तो इनएक्टिव होंगे और ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा तो आंसर कौन सा जाएगा बेटा थर्ड आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास थर्ड आंसर आ जाएगा 70 हाउ मेनी डिफरेंट मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर ऑन सोडालाइम डी कार्बोक्सेशन गिव्स थ्री मिथाइल पेंटेन वन टू थ्री फोर फाइव तो इसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने हैं आप इसके अंदर यहां पर सी एच अटैच करें यहां पर सी एच अटैच कर लें यहां पर सी एच अटैच कर लें कितने हो गए फोर हो गए बेटा फर्स्ट आंसर आ जाएगा इन में से किसी को भी आप सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो आपको टू मिथाइल पेंटेन ही मिलने वाला है कॉलम मैचिंग है इसको सिस टू ब्यूटीन में कन्वर्ट करना है कौन सा रिएजेंट काम आएगा सिस टू ब्यूटीन में लिंडलर कैटलिस्ट सेकेंड आएगा ट्रांस टू ब्यूटीन के लिए थर्ड आ जाएगा ए में सेकेंड है बी में थर्ड है ए में सेकंड है बी में थर्ड है आंसर आपका थर्ड आ रहा है ठीक है इसको टू ब्यूटीन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या लेंगे अपन टू ब्यूटीन जिंक डस्ट और इसको टू ब्यूटाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा ठीक है 72, कंसंट्रेटेड H2SO, HNO3 और H2SO4 है क्या करें बेटा इसके अंदर नाइट्रेशन करवाना है नाइट्रेशन आपको देखो इसके इस बेंजीन पर जो नाइट्रेशन होगा वो इस ग्रुप की वजह से होगा क्योंकि ये तो डीएक्टिवेटिंग और ई एक्टिवेटिंग है एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग आती है इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पॉजिशन एक तो यहां पर है और एक ये पैरा पोजिशन दो ही पोजिशन आपके पास ओपन है देखो इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है ये तो नहीं आएगा ये बन रहा है ये पोजिशन नहीं आएगी इसके अंदर और ये पोजिशन में नहीं आएगा तो आंसर सेकंड आ जाएगा सी डबल बॉन्डो बेंजीनिंग को डीएक्टिवेट करेगा इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं करवानी यह जो ग्रुप है बेंजीनिंग को एक्टिवेट करेगा तो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन कंप्लीट करवानी है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इसको यहां से यहां से रिलीज करो वन टू थ्री फोर फाइव मेंबर रिंग ये आंसर आ जाएगा एच टू निकल फिर इसमें सी टू से रिएक्शन करवाएंगे तो आपसे पूछा है हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल प्रोडक्ट पी तो इसके अंदर अगर मैं क्लोरो प्रोडक्ट बना रहा हूं प्रोडक्ट कितने डाइक्लोरो लिखा ना डाइक्लोरो प्रोडक्ट है आपके पास कितने बन सकते हैं फोर डाइक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं फर्स्ट नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है सेकेंड विच ऑफ द फॉलोविंग एनिसोल में क्या अटैच है ओ सी एस थ्री बेन्जेडीएड में क्या अटैच है सी एच ओ टोलोइन में क्या अटैच है सीएस थ्री क्लोरोन में क्या है एल तो ये सारे तो कैसे होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और ये कैसा होता है मेटा डायरेक्टिंग आंसर क्या आ जाएगा आपके पास सेकेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट पहले केस में कार्बोकेटाइन बनेगा ये इस तरह से जिसको हम एरेनियम आइन कहते हैं दूसरे केस में इलेक्ट्रोलाइसिस यहां पर आपको ऐसा फ्री रेडिकल मिलेगा फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें फ्री रेडिकल बन रहा है थर्ड केस में किस तरह से हेलोनियम आइन बनता है फोर्थ केस में कार्बोकटाइन के बनता है तो फ्री रेडिकल किस में बन रहा है सेकंड में आंसर क्या आ रहा है आपके पास सेकंड, सेवेंटी एट एच फोर ओ टू इनकम्प्लीट कंबन आपसे दिया गया था इनकम्प्लीट कंबस्टन आपको दिया है तो आपको इसमें क्या मिलने वाला है थर्ड कार्बन ब्लैक मिलेगा ना पेंट टू आइन को ट्रांस में कन्वर्ट करना है एल्काइन को ट्रांस एल्किन में कन्वर्ट करना है तो आपको इनमें से कौन सा रिएजेंट काम में लेना चाहिए थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पहली रिएक्शन से आपको क्या मिलने वाला बेटा बेंजीन दूसरी रिएक्शन से भी आपको क्या मिलने वाला है बेंजीन और तीसरी रिएक्शन से आपको क्या मिलने वाला है टोलोवीन तीनों ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ठीक थर्ड आंसर आ जाएगा 81 इस रिएक्शन की बात करें ये रिएक्शन कैसी है इसमें आप क्या कर पा रहे हैं यहां पर टू एच बी आर को तो रिलीज कर रहे हैं तो डी हेलोजिनेशन थोड़ा होगा कोई बीटा एलिमिनेशन होगा क्या होगा बीटा एलिमिनेशन 82 इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यहां फ्री रेडिकल बनेगा और ये इसको इस तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा आंसर सेकंड आ जाएगा ठीक 83 करेक्ट ऑर्डर देखना है बेटा बेटा ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग चलना है है अपने को क्या ये आपको लग रहा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सही है गलत है ना इसको यहां होना चाहिए था तो यह गलत हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 होता है एसपी टू से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होता ये है ये बिल्कुल करेक्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ गलत हो गया ना ये ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और देख रखा है यहां पर वीक एसिड दे रखा है तो ये भी गलत हो गया तो आपके पास करेक्ट सिर्फ एक ही है यानी कि आंसर फर्स्ट आ जाएगा 84 एल्कीन में हैच टू एसओ फोर कोल्ड कंडीशन में एड करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और वहां पर क्या मिलता है एलकाइल हाइड्रोजन सल्फेट एलकाइल हाइड्रोजन सल्फेट तो इस बेस पर आपका आंसर ये आ जाएगा पहले इसको प्रोटोनेट करेंगे कार्बोकेटाइन अब इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ ओ एसओ थ्री एच एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट एटी फाइव करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है एट हाई टेम्परेचर एंड और प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिव्स साइक्लोहेक्सैन बिल्कुल करेक्ट है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन ये एरेनियम आयन बनता है इन विच वन ऑफ द कार्बन इज एसपी थ्री ये एसपी थ्री होता है ये भी करेक्ट है इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, द इलेक्ट्रोफाइल इज एनो टू पॉजिटिव यह भी करेक्ट है तीनों करेक्ट है बेटा तीनों करेक्ट है तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास फोर्थ ब्रोमीन का जो एडिशन होता है हेलोजन का जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन का एक एग्जांपल होता है तो दोनों ब्रोमीन एंटी एडिशन यहां पर एडिशन होगा बेंजीन पर नहीं होगा ये देखो एंटी एडिशन 87 प्रोडक्ट वाई पूछा है तो एल्कोहलिक के इसको किसमें कन्वर्ट करेगा देखें सेज प्रोडक्ट में ठीक है और इसमें जब आप एच बी आर विद परोक्साइड एड करेंगे तो आपको यहां पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट वाई मिल जाएगा ये एक्स है तो प्रोडक्ट वाई इज पोजिशनल आइसोमर ऑफ एक्स देखिए पोजिशन चेंज हो गई बिल्कुल सही है आइडेंटिकल थोड़ा है कोई दोनों चेन आइसोमर भी नहीं है जोमेट्रिक आइसोमर भी नहीं है फर्स्ट आंसर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोविंग कैन बी यूज एज दंपोनेट इन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कैन बी यूज पूछा बेटा फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में वो ही हेलाइड कम्पोनेंट आप यूज कर सकते हैं जिसमें हेलोजन को रिमूव करने से बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होता हो तो क्लोरोवेंजिन नहीं ले सकते ब्रोमोवेंजिन नहीं ले सकते क्लोरो एथीन नहीं ले सकते आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया जा सकता है क्योंकि इसको रिमूव करेंगे तो कार्बोकेटाइन यहां पर कैसा होगा स्टेबल होगा आंसर आ जाएगा जनरल कंबस्टन रिएक्शन फॉर एनी हाइड्रोकार्बन में बी गिवन इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ठीक है आपको दे रखा है। इसको बैलेंस कर लेते हैं ठीक है बेटा सी एक्स एच वाई ओ टू एक्स टू एंड एच टू बैलेंस करते हैं इसको मोल होता ही तो अब देखो यहां हाइड्रोजन वाई है हाइड्रोजन कितने हैं वाई है तो यहां पर हाइड्रोजन कितना होना चाहिए वाई बाई टू तो हाइड्रोजन वाई हो जाएंगे अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहां टू एक्स है देखो और यहां पर आपके पास है वाई बाई टू ये आपके पास ऑक्सीजन का नंबर है यहां पर ये यह यहां होना चाहिए तो यहां पर क्या आएगा टू एक्स प्लस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई टू ऑक्सीजन का नंबर आ जाएगा तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो आपके क्या मिलेगा x प्लस वाई बाई फोर तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है B को अब देखो क्या है A ये होना चाहिए गलत हो गया ये भी गलत हो गया B होना चाहिए y बाई टू बी क्या होना चाहिए y बाई टू ठीक एनसीईआरटी की यार एंटी एडिशन होता है कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस कौन सा आएगा ट्रांस देखें ट्रांस किसमें ठीक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके डाउट के आंसर मिल गए होंगे बेटा इसी तरह से मेहनत करते रहें पेपर अच्छे से देते रहें ताकि आप फ्यूचर में अपने सपनों को साकार करें थैंक यू जय